Himalaya Quista Pro has superior protein way. The healthy way to fitness. नमस्कार, मैं हूं रामकिंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि दिल्ली के दिल्ली के दफ्तर में हजारों लोग बायोडेटा लेकर पहुंच रहे हैं और सभी चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, लेकिन टिकट किसे मिले इसकी तस्दीक करने के लिए, उसकी पड़ताल करने के लिए पर्यवेक्षक तय किए गए हैं, जिसमें एक केंद्रीय नेता शामिल है और साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी के दो लोग उनके साथ रहेंगे और अलग अलग 250 वार्ड में जाकर के ये लोग पता करेंगे कि आखिरकार वह शख्स कौन है जो कि दावे कर रहा है और उसे टिकट दिया जा सकता है। इन सब के बीच आप देखिए कि आपको दिखाया जा रहा है कि ये देखिए जो प्रचार वाहन है, ये प्रचार वाहन तकरीबन 28 के करीब की संख्या में है और इन्हें बढ़ाया जाए। नामांकन की प्रक्रिया 7 नवम्बर से शुरू हो गई है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो आप देख सकते हैं, यह प्रचार शैली दरअसल आम आदमी पार्टी स्टाइल की है और इसे इस बार काफ़ी देखा गया है कि अप्रैल में पिछली बार जब चुनाव कैंसिल हुए थे तब बीजेपी में वो ऊर्जा वो एनर्जी नहीं देखी गई थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ हैं संकेत बातचीत करने के लिए। संकेत, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये प्रचार वाहन कितने हैं और अलग किस तरह से है इस बार? भारतीय जनता पार्टी आज निगम चुनावों में अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रही है। 28 वीडियो वैन आज माननीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी हरी झंडी दिखाकर चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। दिल्ली की जनता प्रदूषण से त्रस्त है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए जिस तरह दिल्ली के साथ उपेक्षा की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है, शराब माफिया दिल्ली में चला है। दिल्ली की जनता आज पूरी तरह पर जाएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं। आप MCD की प्रोग्रेस देखिए ना, MCD ने क्या किया है। आप पार्कों में देखिए, MCD ने पार्क बनाया है, हम पार्क नगरी बना रहे हैं और ये जाम नगरी बनाना चाहते हैं, ये आज शराब में डुबोना चाहते हैं। अच्छा, ये प्रचार वाहन की खासियत क्या है? ये प्रचार वाहन सभी मोदी जी की उपलब्धियों को और MCD ने जो पिछले सालों में दिल्ली के लिए जो कार्य किए हैं उन सबको दिल्ली की जनता के समक्ष में रखेगा। हमारा विचार है सेवा। हमने जो सेवा जनता की, हमने जो सेवा कोरोना काल में की वो है, और उन्होंने किए खोखले प्रचार। हम दूसरे के लिए कुछ नहीं कहते, हम सिर्फ अपनी सेवा के नाम पर दिल्ली में हुए मोदी जी के द्वारा विकास के नाम पर जाने जा रहे हैं। बातें कह रहे हैं आप, मुझे लगता है कि किसी और से पूछा जाएगा वो भी उतनी बातें करेगा। चुनाव आने वाला है, चुनाव में तो सब तय हो जाएगा। कितना आश्वस्त है आप लोग इस चुनाव को लेकर के? एंटी इनकम्बेंसी 15 साल का है, कैसे निपटेंगे? एंटी इनकम्बेंसी नहीं, विकास के नाम पे वोट पड़ने वाली है और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। ये जो टाइम बीता है उससे दिल्ली की जनता समझ गई है केजरीवाल को पूरी तरह। और अब की बात ये जो अब जो केजरीवाल ने दूसरी टर्म में जो मौका दिया दिल्ली की जनता ने, उसके बाद जो 1.5 साल का वक्त बीता है उसमें जनता समझ गई है कि इनका मकसद सिर्फ अपनी राजनीतिक अपनी अभिलाषा को पूरा करना है और दिल्ली की सेवा करना नहीं। तो हम आश्वस्त हैं, हम 2/3 बहुमत से भी ज्यादा बहुमत लाकर अब की बार पूरी तरह हमारा मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। चलिए देख लेते हैं कि संकेत के दावों में कितना दम है, लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रचार तंत्र है वो बहुत मजबूती से आगे की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये 28 वीडियो वाहन प्रचार करने के लिए तैयार है। राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।